कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं पहुंच चुका हूं अपने छोटे जंगल में और माशाल्लाह हमारे परिंदे काफी ज्यादा खुश है आज। तो कबूतर वगैरह हमारे भाई सुबह सुबह ही खोल के थे, सारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो भी माशाल्लाह ठीक है। काफी दिनों की बारिश के बाद आज माशाल्लाह प्रॉपर धूप निकली है। इसकी वजह से ना हमारा जो छोटा जंगल है भैया थोड़ा सा ना जो गीला गीला हुआ पड़ा है, पिंजरे वगैरह जो है पानी वगैरह खड़ा था तो ये सूख गया, ये काफी अच्छी बात है। और पिंजरों के चक्कर बारिशों की वजह से ना पीछे से सारी दरारें पड़ी हुई हैं, तो इनको भी ठीक करना पड़ेगा ताकि जो है वो बाद में मसला ना बने हमारे पिंजरों के साथ। और एक और मैंने आज एक चीज नोट की है कि ये जो दीवार है ना हमारी पिंजरों की बैक साइड वाली, इसके ये चेक करें जी, ये बिल्कुल पीछे को जा रही है, मतलब इस साइड को गिरने वाली है। तो यार इसकी भी टेंशन लगी हुई है कि ये गिर ना जाए, अगर ये गिर गई ना तो मसला बन जाएगा कुछ ना कुछ। सुबह सुबह हमाद भाई जो है वो कबूतर खोल गए, तो बाकी चीजें वैसी घूम रही हैं और चकोरे खोल के नहीं गए। हमाद भाई का भी कुछ पता नहीं चलता, कभी कुछ कर जाते हैं और कभी कुछ कर जाते हैं। तो यार इन चूजों को खोलते हैं जल्दी जल्दी, ये भी बाहर आ जाए चकोरे वगैरह, तो ये भी यहाँ पर घूम ले। चेक करें अब कितनी स्पीड से निकली है और सारी अब यहाँ पर घूमेंगी, मौज मस्ती करेंगी। जी पानी मैंने रखा तो हमारी सारी चीजें पानी पी रही हैं, मुझे याद ही नहीं रहा कल मैंने पानी चेंज करना है, तो मैंने आज आकर ना जैसे ही पानी चेंज किया तो चेक करें माशाल्लाह सारी चीजें आकर पानी पीने लगी हैं, काफी ज्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं पीती हुई। चेक करें माशाल्लाह सारी चीजें आ रही हैं नीचे की, पलटून भी जो है वो पानी पीना स्टार्ट हो चुकी है। चेक करें चकोरे वगैरह भी पी रही हैं और उधर टर्की बर्ड भी लगे हुए हैं पीने में, मतलब सारी चीजें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं पानी के पास। तो यार कल मुझे याद ही नहीं रहा, पहले जो है वो मैंने पानी चेंज नहीं किया, शाम को जो है वो बिजली नहीं थी, तो फिर मैं घर चला गया कि जैसी लाइट आएगी तो मैं फिर आकर जो है वो पानी चेंज कर जाऊंगा, मगर फिर मुझे याद नहीं रहा। और अब मैं आया हूँ तो मुझे समझ आई है कि यार पानी भी इनका चेंज करना था, लेकिन इतना बड़ा था कि सुबह तक गुजारा हो सके, तो अब जो है वो पानी दिया तो सारे माशाल्लाह पानी वगैरह पीकर रिलैक्स हुए खड़े हैं। थोड़ी देर तक इनके लिए सब्जी लेके आएंगे, सब्जी लाकर जो है वो अपनी चकोरों को बाकी चीजों को देंगे तो ये आराम सुकून से खा ले। अब चलते हैं यार घर, आकर सब्जी वगैरह लेके आके ना काट के वो डालते हैं इनको ताकि ये खाएं पिए मौज मस्ती करें। और इधर माशाल्लाह हमारा ये वाला जो केज है ना ये काफी खुश हो चुके हैं, पानी इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं पड़ा था, तो अब माशाल्लाह सारे नीचे जाकर पानी वगैरह पी रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी यार ठीक है टाइम है जी, छोटे जंगल में पहुंच चुके हैं, सब्जी वगैरह मैं काट के ले आया था तो सब्जी यहाँ पर रख देता हूँ और इनके बच्चों के काम चेक करें। पकड़ा क्यों है वैसे वजह? उड़ाने के लिए यार, मर्जी है यार, अब एक अंदर गया हुआ बांदरों की तरह। तो यार जिन जो ने तूने मुझे टेप दी थी ना वो चेक कर कितनी प्यारी लग रही है अब लगी हुई, माशाल्लाह काफी ज्यादा प्यारी। इस बच्चे ने मुझे आइडिया दिया था कि ये टेप ले जा और ये अपने पिंजरों पर लगा देखना, दोबारा खराब नहीं होंगे पिंजरे। और वही बात हुई कि खराब नहीं है, अब सारे परिंदे चेक करे जी मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं इनको जल्दी जल्दी दूँ सब्जी। सब्जी देने से पहले जो है ना वो जो अंदर तीन चूजे है ना इनको निकालना पड़ेगा बाहर, इनको छोड़ते हैं फिर सारों को इकट्ठे उस जगह पर दे देंगे सब्जी। वो अंदर जल्दी जल्दी चूजे निकालने के लिए बाहर, ये आखिरी बच्चा है इसको भी छोड़ दे बाकियों के साथ, ये भी जा रहा है बागा बागा। हसन जल्दी जल्दी बाहर आइया, चिड़िया वगैरह ना मतलब निकल आए, जल्दी 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 दरवाजा बंद माशाल्लाह। तो ये काम भी हो गया कि चूजे जो है वो सारे निकल रहे हैं भाई, एक वो भागा जा रहा है, दो ये घूम रहे हैं, तो माशाल्लाह सारी चीजें ठीक है। अरे जल्दी जल्दी उठा ला सब्जी, सारी जल्दी जल्दी सब्जी उठा ले, अपने परिंदों को देते हैं सब्जी ताकि आराम से चेकर डस्ट कितनी ज्यादा लग गई है। तो सब्जी छापर खोल, छापर खोल के यहाँ पर फेंक दे जल्दी जल्दी, जैसे ये फेंके ना तो सारी खा लेंगे खुद ब खुद, ये चेक करे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सब्जी सारी खाना स्टार्ट हो चुके हैं परिंदे छोटे वाले और बड़े वाले, बताए यार प्यारे लग रहे हैं खाते हुए या नहीं लग रहे? मजा आ रहा है ना दोनों को देखकर, काफी ज्यादा खुशी हो रही है जी, सारी चीजें खा रही है सब्जी वगैरह, तो लगे पड़े हैं जी। ऊपर हमारे सारे कबूतर बैठे हुए हैं, इनको उड़ाने की कोशिश करते हैं। जुबैर जल्दी जल्दी जा, कोई वगैरह इस तरह की चीज ऊपर को फेंक, देखिए सारे खुद ब खुद उड़ जाएंगे। यहाँ पर फेंक जी, ये देखे माशाल्लाह सारे उड़ रहे हैं, कितने ज्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। तो आधे यार बैठ गए, इनको उड़ा, इनको उड़ा ऊपर कर डंडा ऊपर कर, ये देख माशाल्लाह सारे उड़ गए जी। कुछ कबूतर जो है वो इस साइड पर जाकर बैठ रहे हैं और कुछ उड़कर वो सामने बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह कबूतर कुछ आधे उड़ने लग जाएंगे, ये चक्कर हमारे सारे उड़ रहे हैं कबूतर, काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इनको भी उड़ा कर मजा आ रहा है और अब इनको खाने देते हैं छोटे वाले परिंदों को सब्जी वगैरह। हसन और जो है वो जुबैर लगे हुए हैं मोर पकड़ने के लिए, तो मैंने इन्हें दिया है कि मोर पकड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा मोर नहीं पकड़ा जाता, ये अगर ऊपर चला गया ना तो दोबारा नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर नहीं जाने देना भगा इसको, ऊपर नहीं जाने देना। अब तो मोर गया वापस, जल्दी जल्दी इस साइड से, इस साइड से मोर हमारा मारने की कोशिश कर रहा है उसको, चेक करें जी, बिल्कुल भी नहीं डर रहा, मेरे से इतना ज्यादा डरता है, इनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तो देखते हैं इनसे पकड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं भाई, मोर जो है वो इनसे नहीं पकड़ा जाएगा, मेरे से काफी मुश्किल पकड़ा जाता है, तो फिर ये जो है वो कैसे पकड़ लेंगे, तो पकड़ के दिखा दे मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को।
अब नहीं पकड़ा जाएगा, अब चला गया ऊपर। तो ये तुम्हारा काम हो चुका है, तू भी हर गया और तू भी हर गया। अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा, अब कबूतरों के पीछे पड़ गए। पुत्र मोर पकड़ा साहब, तुझे बड़ी वो हो रही थी, क्या नाम है, कि मेरे से पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। अब कहाँ पे है, अब क्यों चुप है, पकड़ के दिखाना। अब जो है वो देखें किस तरह चुप हो गया। तो मोर माशाल्लाह हमारा फुल एक्टिव है, ऊपर जाकर बैठता है, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, मुझे पता है कि किसी के हाथ में नहीं आना इसमें। माशाल्लाह जी, काफी देर छोटे जंगल में रहकर काफी देर जो है वो परिंदों के साथ टाइम स्पेंड किया है। अब जो है वो घर जाने को दिल कर रहा है, सब्जी वगैरह इनको डाल दिया, तो शाम को हमाद भाई आकर बाजरा और पानी चेंज खुद ब खुद ही कर जाते हैं। दो चूजे हमारे ये घूम रहे हैं और एक चूजा पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, नहीं है जी। मट्टी के अंदर जाकर ये चूजे खेलते हैं और काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं खेलते हुए। दो ये घूम रहे हैं, एक ये डक्स के पीछे जो है वो वहां पर घूम रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे छोटे से चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।